नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, जिस ऐप को अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हो ना दोस्तों, उसके बाद आपका फ़ोन चाहे कमरे में किसी भी कोने में पड़ा हो, सिर्फ सीटी बजाते ही बच जाएगा। दोस्तों एक ऐसी कमाल की ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो सीटी बजाने से आपका फ़ोन बजने लगेगा, उससे आपको पता चल जाएगा आपका फ़ोन किधर है और किसके पास है। दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट ऐप है, इस एप्लीकेशन को एक बार ट्राई जरूर करना। अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन सा ऐप है तो दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा देखना। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। यहाँ पर आप घंटे की इस पर क्लिक कर देना, ऑल वाला जो ऑप्शन है इस पर भी क्लिक कर देना और वीडियो पर एक लाइक कर देना। दोस्तों वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं पूरे 500, इस वीडियो पर 500 लाइक आने चाहिए। जो भी देख रहे हैं सबसे पहले लाइक बटन पर क्लिक कर दें और दोस्तों लास्ट में मुझे नीचे कमेंट करके और बता देना कि आपको इस ऐप के बारे में जान करके कैसा लगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं फाइंड माई फोन वाइटलिस्ट गोडेस्ट फाइंडर बाई वेस्टिन ऐप का। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लें। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, नीचे में एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपके सामने ऐड आ जाएगा, यहाँ पर बैट आ जाना है। यहाँ पर फिर से दोस्तों आपको अराओ पर क्लिक कर देना है। बस दोस्तों फिर से आपको एक बार अराओ पर क्लिक कर देना है। बस दोस्तों आपको इतना सा करना है और अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को रखना है। दोस्तों अब आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कीजिएगा, यहाँ पर आप अपने होम बटन पर आ सकते हो और इसे लॉक करके भी रख सकते हो। फिर आप सीटी बजाओगे ना दोस्तों आपका फ़ोन बजने लगेगा। दोस्तों अगर आपसे ये ऐप यूज करना नहीं आ रहा है और आपके फ़ोन में यूज नहीं हो रहा है दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के नीचे आके मुझे कमेंट में बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, उसके बाद मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।